नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर के मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिना फास्टैग के वाहनों का नहीं होगा इंश्योरेंस। 15 फरवरी से टोल प्लाजा से भी नहीं मिलेगी एंट्री। हाईवे पर सफर करने वाले 15 फरवरी से झारखंड राज्य के सभी 8 टोल प्लाजा पर कैश भुगतान की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सभी टोल प्लाजा पर कैश लेना बंद करने का निर्देश दिया है। हाईवे पर 100% वाहनों को फास्टैग लगाकर ही सफर करना होगा। फास्टैग के माध्यम से टोल लेने के सिस्टम को बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपनी सहयोगी कंपनी इंडियन जो है हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को इसके लिए जो है नामित कर दिया है। इस वक्त टोल प्लाजा पर अप एंड डाउन दो दो कैश लेन है और जो है फास्टैग नहीं होने पर वाहनों से केस जो है टोल टैक्स देकर आने जाने की छूट है। यह नियम जो है टोल प्लाजा के जिलों के वाहनों पर भी लागू होगा। अब बिना फास्टैग वाहनों का ना तो जो है इंश्योरेंस होगा और ना ही फिटनेस होगा। जो है सनल हाईवे अथॉरिटी के फैसले को लागू करने के लिए झारखंड जो है प्रक्षेत्र के सभी 8 टोल प्लाजा पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आ गया इंडियन ऑयल का 160 रुपये प्रति लीटर वाला पेट्रोल। जाने इसकी खासियत, इंडियन ऑयल का XP 100 पेट्रोल झारखंड के बाजारों में आ गया है। इसकी बिक्री फिलहाल धनबाद और रांची में की जा रही है। दोनों शहरों के पेट्रोल पंप यह पेट्रोल उपलब्ध है। हालांकि कीमत सामान्य पेट्रोल से दोगुना 160 रुपये प्रति लीटर है। जाहिर है जब दाम दोगुना है तो इसकी खासियत भी खास होगी। इंडियन ऑयल का दावा है कि अगर आप अपनी कार या बाइक में डालते हैं तो आपकी कार या बाइक की ताकत बढ़ जाएगी। ना सिर्फ माइलेज बढ़ेगा बल्कि ड्राइविंग का अंदाज भी बदल जाएगा। इंडियन ऑयल जो है XP 100 स्वदेशी तकनीक पर विकसित प्रीमियम पेट्रोल है। कीमत 160 रुपये प्रति लीटर है। यह पेट्रोल महंगा जरूर है पर कार और जो है बाइक में डालते ही उसकी शक्ति दोगुना हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा की मौत के सुराग के लिए पुलिस ले रही है गोताखोरी की मदद। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की सेमेस्टर 1 की छात्रा पूजा भारती की मौत का खुलासा 8 दिनों के बाद भी नहीं हो पाया है। हालांकि SIT पूरी जांच में जुटी हुई है। टीम हजारीबाग के अलावा गोड्डा और रांची में भी जांच में जुटी हुई है। इधर मंगलवार को पतरातू थाना प्रभारी भारत पासवान और SI वरुण सिंह और विजय सिंह समेत सशस्त्र बल जवान डैम के किनारे दूसरे दिन भी पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे और साफ सफाई कराई गई। साथ ही जो है नाविकों व जो है गोताखोरी के सहयोग से डैम के पानी के भीतर जाकर सुराग हासिल करने का प्रयास किया गया। गोताखोरी और स्थानीय नाविकों की ओर से घंटों प्रयास के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। देर शाम जो है SP प्रभात कुमार और SDPO प्रकाश चंद्र व इंस्पेक्टर जो है लीलेश्वर महतो पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद पास के होटल में जो है जाकर छानबीन की। इसी होटल के पीछे शव बरामद हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 101 नए संक्रमित मिले हैं। वही 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें धनबाद, पलामू और रांची से एक एक संक्रमित शामिल है। अब तक राज्य में कोरोना से जो है 1057 लोग की मौत हो चुकी है। वही अब तक जो है 117,887 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से जो है 115,683 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस जो है 1147 है। नए संक्रमितों में बोकारो से 9, चतरा से 2, धनबाद से 15, पूर्व सिंहभूम से 5, जो है गुमला 4, हजारीबाग व कुट्टी से 2-2, कोडरमा व लातेहार से 1-1, लोहरदगा से 3, पलामू से 2, रांची से 53, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम से 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में जो है 141 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि में बदलाव। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि जो है 9 मार्च की जगह अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि व कार्यक्रम जारी कर देगा। जेक द्वारा परीक्षा तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जैक को पत्र भेजा गया था। शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग से इस संबंध में समीक्षा करने को कहा था। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मंगलवार को जैक के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने विचार विमर्श किया। इसमें जो परीक्षा की तिथि बढ़ाने व संभावित तिथि पर विचार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर से बाहर निकलते समय सभी कागजात रखे साथ। रांची में चल रहा है चेकिंग। रांची जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इससे हर रोज वाहनों की सघन जांच हो रही है। इस दौरान यदि आप वाहन लेकर सड़क पर निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकले। गाड़ी के पूरे कागजात जैसे जो है RC बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा के पूरे कागजात साथ रखें। इतना ही नहीं, यदि कार में जो है हो तो सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। यदि मोटरसाइकिल पर है तो खुद भी हेलमेट लगाएं और जो पीछे बैठे व्यक्ति को भी निश्चित रूप से हेलमेट पहनाएं, नहीं तो भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। कागजात पूरे नहीं होने की स्थिति में वाहन सीज होने का खतरा है। कल मंगलवार को ही जिला परिवहन पदाधिकारी जो है रांची प्रवीण जो है प्रकाश के नेतृत्व में नामकुम थाना क्षेत्र के जो है खारसीदागा एरिया में जांच अभियान चलाया गया था। इस दौरान कुल जो है 188 छोटे बड़े वाहनों की जांच की गई। सभी वाहनों के चालकों से वाहन के कागजात एवं उनके ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। जांच के बाद जो है 25 वाहनों से कुल जो है 2,19,900 रुपए जुर्माना वसूला गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि तापमान बढ़ा, ठंड में आई कमी। झारखंड में निचले स्तर पर पूरब दिशा से हवा का बहाव होने की वजह से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से जो है ठंड में कमी आई है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि से आमजन ने दिन में ठंड से राहत महसूस की है। शाम के बाद जो है पूर्व की तरह लोगों ने जो है ठंड महसूस की है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जो है अभी आने वाले 2 दिनों तक पूरब दिशा से हवा का बहाव होने की वजह से ठंड में कमी आएगी। न्यूनतम तापमान में 2 से जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाएगा। इसके बाद जो है एक बार फिर से जो है पारा नीचे गिरने लगेगा और ठंड जो है बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोचिंग संचालकों की गुहार, रहम करो सरकार। झारखंड में 10,000 शिक्षकों को परिवार चलाना मुश्किल। झारखंड में कोविड-19 कारण अभी तक जो है सभी कोचिंग सेंटर बंद है। इस कारण इससे जुड़े 10,000 शिक्षकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। यहां तक कि इन सेंटरों के संचालकों को भाड़ा देने में परेशानी हो रही है, जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही अनेक प्रकार की अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग संस्थान से संबंधित शिक्षक प्रबंधन एवं विद्यार्थी जो है समुदाय में जो है परेशानी की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस व्यवसाय से जुड़े प्रत्यक्ष लोग प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। तमाम प्रतियोगिता परीक्षा जो है नियत समय पर हो रही है, इससे विद्यार्थियों की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संस्थान के बंद होने के कारण उनका जो है मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर आग्रह किया गया है कि वे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान करें। यह मांग जमशेदपुर कोचिंग संघ की ओर से की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडोनेशियाई नागरिक ने मांगी माफी। धनबाद कोर्ट ने 3,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ा। लॉकडाउन के बावजूद जो है तबलीगी जमात की ओर से धर्म प्रचार करने के आरोपी 10 इंडोनेशियाई नागरिकों व उनके 2 जो है गाइड्स ने मंगलवार को धनबाद कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया है। इसके बाद जो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋतिका सिंह की अदालत ने सभी को 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जो है शाहनवाज एवं जो है मोह अनवर ने दलित पेश की है। अभियोजना की ओर से लोक अभियोजना BD पांडे और कोर्ट ने जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने, जानकारी छिपाने, जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, संक्रमण फैलाने, क्वारंटाइन रहने के आदेश की अवहेलना करने और महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है। अदालत ने सभी के जब्त पासपोर्ट व मोबाइल फोन रिलीज करने का आदेश दिया है। अब वो अपने देश जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी नर्सिंग होम अस्पतालों की रुकेगी मनमानी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नया नियम। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम अस्पताल और जो है डायग्नोस्टिक सेंटर को 30 जनवरी तक क्लिनिकल जो है एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो है डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना निबंधन के कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी भी प्रकार के क्लिनिकल, नर्सिंग होम और अस्पताल आदि का संचालन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो इनके लिए जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही निजी क्लिनिकल जो है नर्सिंग होम और अस्पतालों को अपने संस्थान के पूछताछ केंद्र के समीप जो है चिकित्सक का नाम, उनकी जो है योग्यता, मेडिकल काउंसलिंग निबंधन नंबर और जो है अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं का शुल्क हिंदी और इंग्लिश में प्रदर्शित करना है। आदेश में कहा गया है कि जो भी संस्थान 30 जनवरी के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जाते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।